दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही खास पावरफुल शावर मंत्र लेकर के आया हूं। शावर मंत्र दोस्तों माता काली का है। आपकी कोई परेशानी है, कोई इच्छा है, काफी टाइम से रुकी हुई है, कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, वो आपका पूर्ण हो जाएगा इस मंत्र में। दोस्तों शावर मंत्र जो होते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ विधान इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। शावर मंत्र जो होते हैं बहुत ही सादे होते हैं, सात्विक होते हैं। बस जरूरत होती है तो इनमें आस्था की, विश्वास की। जितना हमारा इनमें आस्था होती है, विश्वास होती है, उतना ही ज्यादा पावरफुल वर्क करते हैं। अब समस्या दोस्तों कुछ भी हो सकती है। समस्या नौकरी से संबंधित हो सकती है, व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित है, कर्ज से संबंधित है, या फिर बच्चों से संबंधित है। बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ते नहीं है, गलत संगति में पड़ गए हैं, या फिर पति पत्नी में अनबन है, या घर में ग्रह क्लेश बहुत ज्यादा है। कोई भी समस्या, सारी समस्या को समाधान सिर्फ एक इस मंत्र के द्वारा आपकी हो सकती है। आप जितना ज्यादा मां काली पे आस्था रखेंगे, विश्वास के साथ में इस मंत्र का जाप करेंगे, बहुत ही सटीक और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों माता काली जो होती हैं, आप इसे मां स्वरूप मान करके, देवी नहीं मानना है आपको, आपको माता स्वरूप मान करके और इस मंत्र का जाप करना है। एक छोटे से बच्चा जैसे अपने माता पिता से विनती करता है, जिद करता है, उस तरीके से अपनी भावनाओं को रखिए। फिर देखिए माता रानी कैसे आपकी हर एक परेशानी को चुटकियों में सॉल्व करेंगी। दोस्तों शावर मंत्र जो होते हैं कलयुग में वरदान है। वैदिक मंत्र जो होते हैं वो कीलित होते हैं। जब तक इनका उत्कीलन ना किया जाए इनका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। और मैं ऐसे ज्यादा बड़े प्रयोग नहीं देता हूं दोस्तों आपको, मैं ऐसे प्रयोग आपके सामने लेकर के आता हूं जो आप इजिली कर पाए। ना कोई विधान है इसमें, आप जितनी आपकी यथाशक्ति, जितनी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। जिसकी भी जिसको इसकी नीड है, ऐसी जानकारी की नीड है, उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइए। आपको परेशानी है, आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होता है, आगे इसको फॉरवर्ड करें और आगे भेजेंगे और कोई फायदा होगा। तो दोस्तों करना क्या है, आप इसमें कोई दिन का विधान नहीं है, समय का कोई विधान नहीं है। मंत्र है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, स्क्रीन में भी आपको शो कर दूंगा। आपको क्या करना है, किसी भी दिन इस मंत्र का शुरुआत कर सकते हैं। एक माता रानी की अगर मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करें, मूर्ति नहीं है तो फोटो ले लें, तस्वीर ले लें माता रानी की। दोस्तों हमेशा याद रहे कि माता काली की कोई भी फोटो अगर घर में स्थापित करते हैं तो शांत स्वरूप में स्थापित करें। क्रोध वाली फोटो अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो कभी ना करें, क्योंकि उनका क्रोध जो होता है तो उससे क्रोध वाली उनकी एनर्जी घर में आती है। हमेशा माता रानी की शांत, बिल्कुल शांत स्वरूप वाली, मुस्कुराते हुए ममतामयी फोटो स्थापित करें। अगर आपने घर में क्रोध वाली फोटो लगाई हुई है माता रानी को तो उनको विसर्जन कर दें और बिल्कुल शांत स्वरूप ममतामयी प्यारमयी ऐसी फोटो घर में लगाएंगे तो घर में सुख समृद्धि शांति और साथ में धन का वैभव का संचार होगा। तो करना क्या है दोस्तों, आपको किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। माता रानी की एक फोटो स्थापित करें शांत स्वरूप ममतामयी और एक दिया जला लें। अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला ले लें। रुद्राक्ष की माला से एक माला, तीन माला या फिर पांच माला, जितना आपके पास में समय है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 10 माला करनी, 11 माला करनी है। बस पूरी आस्था के साथ में जो भी आपकी मनोकामना है पहले माता रानी से सच्चे दिल से हाथ जोड़ के विनती करें और 21 दिन 41 दिन या फिर जितना आपके पास में समय है, आपकी कोई बड़ी मनोकामना है 41 दिन कर लें। और जैसी मनोकामना हो उसके हिसाब से कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो 51 दिन कर लें, या फिर जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तब तक इस मंत्र का जाप कर लें। आपको उस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी परेशानी है। क्योंकि दोस्तों शावर मंत्र ऐसे होते हैं जो तुरंत में ही आप इनका एक दिन जाप करेंगे तुरंत में ही अपना शक्ति दिखाना शुरू कर देते हैं, तुरंत में ही एक्टिव होते हैं। इन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर आपकी जितनी श्रद्धा होगी, बस यहां पर शावर मंत्र एक चीज मांगते हैं कि मंत्रों पे आपका विश्वास कितना है, आस्था कितनी है। आपने मंत्र जाप किया और आपकी आस्था की एनर्जी ऊर्जा तुरंत ही काम करना शुरू कर देगी। तो एक लाल पुष्प जो गुड़हड़ का पुष्प कहा जाता है, जासौन का पुष्प जो माता रानी को बहुत प्रिय है, अगर वो मिल जाता है तो वो भी जरूर अर्पित करें।
वैसे आप कुछ भी विधान नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हो सके तो यथाशक्ति कुछ भोग लगा दे माता रानी को और एक आसन लगा करके बैठ जाए। अगर लाल कपड़े पहन के बैठ रहे हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप स्वच्छ कपड़े, बस स्वच्छता का ध्यान दें। ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ अपने तरफ से कुछ विधान कर लेते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इस मंत्र में कोई ऐसा विशेष विधान नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। बस माता रानी पे मंत्र पे विश्वास करके करें। सबसे पहले हाथ जोड़ लें, विनती कर लें, जिस मनोकामना के लिए, जिस कामना के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कितने दिन करेंगे आप, 11 दिन कर रहे हैं, 21 दिन कर रहे हैं, माता रानी से विनती करें और फिर मंत्र का जाप शुरू कर दें। अगर रुद्राक्ष की माला से कर रहे हैं तो एक माला कर सकते हैं, तीन माला कर सकते हैं, या अपने समय के अनुसार जितना हो सके उतना जाप कर सकते हैं। या फिर आप माला से नहीं कर पा रहे हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, आपके पास में जितना टाइम है उतने टाइम तक इस मंत्र का जाप कर लें। मंत्र मैं आपको सुना दे रहा हूं दोस्तों, क्रीम कालिका षोडश वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले नर मुंडमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है दोस्तों। मंत्रों को जैसा दिया गया है बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ना है, जरा सा भी इसमें सुधार नहीं करना है। मंत्र जो होते हैं शावर मंत्र, इनको खड़ी बोली में, देहाती बोली में और सादगी से बनाया गया है, इसमें आप कुछ भी सुधार नहीं करेंगे। जैसा मंत्र है वैसा ही मंत्र आपको पढ़ देना है। और मंत्र जैसे समाप्त होता है, आपने 10 अगर माला से कर रहे हैं, एक माला दो माला जितना आपने कर लिया, उसके बाद में जल लें हाथ में और माता रानी से विनती करें कि इस मंत्र की सारी ऊर्जा मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं और मेरी आप मनोकामना पूर्ण करें या ये मेरी परेशानी दूर करें। दोस्तों 3-4 दिन बस आप जाप कर लीजिए, 3 से 4 दिन में इसका आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा। पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से, एक छोटे से बच्चे बनकर माता रानी को बिल्कुल ममतामय स्वरूप देख करके और उनसे, उनके सामने इस मंत्र का जाप करिए और अपनी विनती माता रानी को सुना दीजिए कि ये मेरी परेशानी दूर होना चाहिए, दूर होना ही चाहिए, बिल्कुल जिद करके मांगिए उनसे, फिर देखिए सटीक रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत ही पावरफुल मंत्र मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और बहुत ही गुप्त मंत्र लेकर के आया हूं। ये माता रानी का बहुत ही ज्यादा शावर मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। जब इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि जिंदगी में कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, दूसरी के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक परेशानी दूर होगी, दूसरी परेशानी के लिए कर सकते हैं। जितनी परेशानियां आपकी, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। ये एक मंत्र आपकी जिंदगी में हमेशा चमत्कार करता रहेगा। कोई भी रुका हुआ काम है, कोई बड़े अधिकारी से काम निकलवाना है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी घर में ग्रह कलेश है, हर एक परेशानी के लिए ये शावर मंत्र काम करेगा। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आप करके देखिए इसको, और जिस विधि से मैं बता रहा हूं उस विधि से भी कर सकते हैं। और यदि आपके पास में कोई भी साधन नहीं है तो नॉर्मल आप सादगी से सिर्फ मंत्र जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी सिर्फ आस्था और विश्वास मांगती है। और शावर मंत्र बहुत ही दोस्तों पावरफुल होते हैं, कलयुग में सबके लिए वरदान है, गुरु गोरखनाथ जी ने इनकी रचना की है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।